अब बारी है आज के फिनाले के आखिरी परफॉर्मेंस की. कंपटीशन है काफी टफ, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन तीन फाइनलिस्ट में से कौन जीतेगा. सो प्लीज वेलकम द टीम जिसने इस मंच पे हमेशा धूम मचाई है. प्लीज वेलकम लंबाड़ा. स्टैंडिंग ओवेशन का भी कोई मतलब नहीं है इस पर. रनिंग ओवेशन सब सब उठकर चले जाए, हम भाग जाते हैं शो, मतलब हाँ बस कुछ क्या कहे क्या ना कहे क्या करे कुछ सूझ नहीं रहा. यू नो लंबाड़ा, लाइक आई सेड, एक होता है म्यूजिक और एक होता है मैजिक. आपने आज आइडिया रॉक्स इंडिया के फिनाले में मैजिक क्रिएट किया है. रिजल्ट जो भी हो, आई एम प्राउड कि आइडिया रॉक्स इंडिया में मुझे आपको सुनने का मौका मिला.
Let's start with Palash. Palash. I don't know. This is the bop, yeah. This is the bop. अगर ये कंपटीशन किसी को जीतना चाहिए वो आपको जीतना चाहिए डेफिनेटली. बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं. पहली बात तो ये है कि जो इस रियलिटी शो ने हम लोगों को दिखाया है मैंने तो शायद किसी और रियलिटी शो में नहीं देखा. मुझे लगता है जैसे दो इस भारत में जसराज हैं, एक पंडित जसराज और एक होने वाला पंडित जसराज. Suleiman. You guys have rocked it, man. You've rocked it. Aapki band, aapki taakat hai. And I hope that you keep this forever and ever. Well, competition ke sare performances ho gaye hain khatam. Lekin grand finale abhi bhi khatam nahi hua hai. Ek aur behtareen performance hona baki hai. And of course, the results. Yes, results. जिससे हमें पता चलेगा कि इन तीन फाइनलिस्ट में से कौन है द बाप ऑफ ऑल बैंड्स. और अब वक्त है हमारे तीनों बैंड्स को स्टेज पे बुलाने का. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जशन, लंबाड़ा एंड नॉर्थ ईस्ट ब्रीज. हम जिस बैंड की तलाश कर रहे थे वो आज हमें मिल जाएगा. आखिर वो कौन सा बैंड है जो बना है सबसे बेहतरीन बैंड, जिसने रॉक किया है पूरे नेशन को, जो है द बाप ऑफ ऑल बैंड्स. आइडिया रॉक्स इंडिया के ग्रैंड फिनाले की रात आज हमारे बीच हैं आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर श्री प्रदीप श्रीवास्तव. आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप की म्यूजिक का ये 4 साल का सफर आइडिया रॉक्स इंडिया बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स के साथ देश के कई हिस्सों में गया था. सोनू निगम, सुनिधि चौहान और शान इसको भारत के कई हिस्सों में लेके गए थे. और इस साल इंडिया के सबसे बड़े टेलीविजन चैनल कलर्स के ऊपर बहुत ही टैलेंटेड जजेस वसुंधरा और शान और सेलिब्रिटी जजेस की तरफ से इसको घर घर में पहुंचाकर एक कोशिश की गई कि सबसे बेहतरीन बैंड को ढूंढा जाए. अब शायद समय आ गया है कि जशन और नॉर्थ ईस्ट ब्रीज और लंबाड़ा के बीच में देखा जाए हु इज द बाप ऑफ ऑल बैंड्स. तो मैं चाहूंगा कि मानसी और करण हमें बताएं कि अब इस समय क्या रिजल्ट आने वाला है. थैंक यू सो मच प्रदीप जी. चलते हैं रिजल्ट्स की ओर. और रिजल्ट्स हमारी ओर आएंगे. शान, मैं ये रिजल्ट को खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं. मैं बस इसे इस खूबसूरत बक्से में रखकर आप तक पहुंचाऊंगा. सारे जजेस स्टेज पे आ गए हैं, तीनों बैंड्स भी स्टेज पे हैं, रिजल्ट भी उस बक्से में स्टेज पे है. और एक चीज की जो कमी थी वो भी अब स्टेज पे आएगी और वो है हमारी स्पेशली डिजाइन्ड ट्रॉफी. सो प्लीज गेट द आइडिया रॉक्स इंडिया बाप ऑफ ऑल बैंड्स ट्रॉफी ऑन स्टेज. दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल ट्रॉफी है क्योंकि इस ट्रॉफी में आप जैसे ही एक बटन दबाते हैं आइडिया रॉक्स इंडिया का टाइटल सॉन्ग बजता है. सो हियर इट गोज. आइडिया
to receive this amazing trophy, we will be having an amazing winner. शान जी, आपके पास है वो बक्सा जिसमें है रिजल्ट्स, तो आप उस बक्से को खोल के अंदर से लिफाफा निकाल के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। सलीम जी और सलेमान जी, रिजल्ट निकाल, ओके निकाल दिया लिफाफे में से दोस्तों, रिजल्ट प्रदीप जी ने नाम देख लिया है। और दोस्तों, से पहले कि हम वो नाम अनाउंस करें, आपसे मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि आप तो जानते हैं कि ये जो रिजल्ट है, इट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ नॉट जस्ट द जजेस पॉइंट्स बट ऑल्सो ऑल द वोट्स दैट हैव कम इन, और विनर जो है वो भी आप ही बताएं हमें। आइडिया रॉक्स इंडिया, द बाप ऑफ ऑल बैंड्स, एंड आवर कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स लंबाडा। जीतेंगे हम, बाजी जीतेंगे, अब दिन बीतेंगे। म्यूजिक इज लाइफ, म्यूजिक इज फ्रीडम, म्यूजिक इज लाइफ, म्यूजिक इज फ्रीडम। इस तरह संगीत का ये महाउत्सव पहुंचा है अपने आखिरी पड़ाव पर, और फाइनली आइडिया रॉक्स इंडिया ने इंडिया को दी है द बॉप ऑफ ऑल बैंड्स लंबाडा।